Into the Wild, we have an interview with Mr. Mike Pandey, who's a wildlife filmmaker. इस वक्त हम मौजूद हैं प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर मिस्टर माइक पांडे के घर के बाहर, जिन्होंने बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता और प्रजातियों पर काफ़ी काम करके बहुत सी फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज बना के हमें बहुत जागरूक किया है और साथ ही साथ 300 से भी ज़्यादा अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। तो चलिए आइए उनसे मिलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के डीडी मॉर्निंग शो में। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, भारत के गर्व के सामने मैं बैठी हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम भी बहुत खुशी हुई कि आज हमारे नेशनल चैनल पर एक ऐसा प्रोग्राम आ रहा है जिसकी बहुत ज़रूरत है। लोगों को संवेदनशील करना निहायत ही ज़रूरी, खासकर इस वक्त जब पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। बॉलीवुड में आप थे, स्विच कर लिया और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग में चले गए। मीडियम तो सेम ही है, फिल्म पिक्चर स्टोरी टेलिंग। मैं एक सीरियस सिनेमा का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं वहाँ था 6-7 साल, कमाल अमरोही साहब के साथ था, धर्मेंद्र साहब के साथ था, अमिताभ बच्चन जी, विनोद खन्ना, बट मुझे ये एंटरटेनमेंट सिनेमा कुछ रुचि इसमें मेरी नहीं लगी, तो इसलिए मैं हट गया। एंड मेरा सेकेंड इंटरेस्ट था नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, तो कॉन्जर्वेशन हमारा मुद्दा था, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, वही हमारा प्रयास था। आपकी पहली डॉक्यूमेंट्री की अगर मैं बात करूं या पहली फिल्म की बात करूं, वाइल्ड लाइफ फिल्म कौन सी थी? सीक्रेट लाइफ ऑफ चीतास थी, ईस्ट अफ्रीका में। मेरा जन्म अफ्रीका में हुआ था और हमारे घर के पीछे ही एक चीता की फैमिली थी, इजीली अवेलेबल, और 17 साल का था उस वक्त। अच्छा, तो शायद तो उसमें हमने उसको फिल्माया और उसको एक अवार्ड भी मिला। नेचर को देखने का आपका क्या नजरिया है, कैसे दर्शकों तक अपनी बात पहुँचाते हैं? वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है उसको वर्सेटाइल होना चाहिए, लचकदार होना चाहिए, हर एक परिस्थिति के लिए उसको सतर्क करना चाहिए और अडेप्ट करना चाहिए। उसके लिए हाथ चाहिए, ट्राईपॉड्स तो होते नहीं वहाँ पर, हैंड होल्ड शूटिंग करनी है, दौड़ना पड़े पीछे जंगल में, अपनी पोजीशन लेनी पड़े, अपना बचाव भी करना। और बाकी सीन जो है वो नेचर प्ले करती है, तो आपकी काबिलियत उसमें है कि आप किस प्रकार उन सीन्स को कैप्चर करते हो, बगैर जानवर को क्षति पहुंचाए, बगैर उसकी अटेंशन अट्रैक्ट करें। तो दैट इज़ द ब्यूटी, यू वर्क अराउंड द एनिमल। जानवर को पता भी नहीं लगना चाहिए आप हैं वहाँ पर। अगर बाघ है, शेर है, उसके बाल अगर खड़े हो रहे हैं पीठ पर, तो आपको पता है ये डेंजर साइन है, तो 2 कदम पीछे हो जाइए। तो जंगल क्राफ्ट का जानना, जानवरों के बारे जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप वाइल्ड लाइफ फिल्म में जाना चाहते हैं। और पहले तो जैसे डेविड एटनबरो ने बनाई थी फिल्में और हम लोग बच्चे थे, तो हम सब के पूरे विश्व में उनकी फिल्में जो थीं वो हमारे घरों में आईं और हमको हमारे नज़र में आई वो दुनिया जो किसी ने नहीं देखी थी, नेचुरल वर्ल्ड। कौन सी ऐसी मूवीज़ हैं, कौन सी ऐसी फिल्म्स हैं या डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जिसने बदलाव लाया है हमारे देश में? अगर देखें तो हमारी फिल्म जो थी शोर्स ऑफ साइलेंस, वेल शार्क्स इन इंडिया, ये पहली फिल्म है पूरे विश्व में जिसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है संरक्षण को नज़रिए में रखते हुए। हमने फिल्म बनाई सन 2000 में, पहली बार हमने दिखाया कि यहाँ वेल्स आती हैं और इनको मारा जाता है और इनका मांस 1 रुपये किलो बिकता है, जहाँ की प्लास्टिक 4 रुपये किलो बिकता था। उसके बाद हम लोग साइटिस्ट गए सेंटियागो चिली में, जब पहले हमने मुद्दा उठाया वेल शार्क्स का कि खतरे में है, इसका संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है, तो हमें 3 वोट्स मिली। फिल्म दिखा देने के बाद हमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली और पूरे विश्व में
संरक्षण लग गया व्हेल शार्क्स इन इंडिया, और हमें गर्व है कि ये एक हिंदुस्तानी फिल्म थी। इसने ऑस्कर भी जीता था, इसने ग्रीन ऑस्कर भी जीता था। सर, इसके अलावा और कौन कौन सी फिल्म्स हैं जो बदलाव लेकर आईं? आई थिंक एक फिल्म थी टाइमलेस ट्रेवलर, हॉर्सशू क्रैब। फिर हमने एक फिल्म बनाई थी वैनिशिंग वल्चर्स, गिद्ध की प्रजाति विलुप्त हो रही थी। और हफ्तों में हमारी फिल्म ब्रोकन विंग्स जो थी, उसके कारण एकदम जो डाइक्लोफेनेक था बैन हुआ। भारत एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही इमोशनल लोगों का देश है। उस एक प्रयास किया गया और आज गिद्ध नहीं मारे जाते, ब्रीडिंग सेंटर्स बन गए। फिर हॉर्सशू क्रैब 256 मिलियन ईयर्स ओल्ड पहले प्रजाति जो पृथ्वी पर आई थी, आज भी हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर वो जिंदा है। उसका जो खून है वो दूध जैसा होता है, लेकिन यहाँ से स्मगल हो रहा था, एक देश स्मगल कर रहा था 25 पैसे में, तो उस पर भी नेशनल अवार्ड मिले उसको और एक संरक्षण लगा। और वो एक स्पाइडर और एक स्कॉर्पियन फैमिली का वो मेंबर है, और वो खून अगर आप हवा में लाएं तो एकदम नीला पड़ जाता है। क्या भारत का किसी और देश के साथ कोलैबोरेशन है? आपने क्या किसी और देश के साथ भी काम किया है? हमारी एक संस्था है आई क्यू इंटरनेशनल कोरम, जहाँ 100 फिल्म मेकर्स हैं दुनिया के, तो सब हम लोग एक फैमिली जैसे रहते हैं, चाहे जापान हो, साउथ अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, इंग्लैंड, कनाडा, आइसलैंड, तो हम मिलकर पृथ्वी को का संरक्षण करने के लिए और उसके बचाव के लिए बहुत सी फिल्में बना रहे हैं। संवेदना पहुँचे, ज़रूरत है इस वक्त उस टाइप की फिल्म्स जो एक बदलाव ला सकें, और फिल्में ही हैं जो बदलाव ला सकती हैं। दे आर एजेंट्स ऑफ चेंज। हमारा एक प्रोग्राम आता अर्थ मैटर्स आता था, लोग देखते हैं दूरदर्शन को, और 3,500 लेटर्स हर हफ्ते आती थी हमको पर्यावरण प्रोग्राम पे। सबसे पावरफुल प्रोग्राम, इसको अवार्ड मिला था, फ्रांस ने दिया था, द मोस्ट पावरफुल एनवायरमेंटल सीरीज इन द वर्ल्ड, एंड इट्स गॉट 3 नेशनल अवार्ड्स। हम लोग बना रहे हैं एक फिल्म धरती करे पुकार, उसके 27 एपिसोड्स हैं, दूरदर्शन पे ही दिखाई जाएगी, और उसमें हमने दिखाने का प्रयास किया किस प्रकार की एक बदलाव लाना है तो हर इंसान को अपने अपने जगह पर, अपने गांव में एक प्रयास करना पड़ेगा, चाहे वो ट्राइबल्स हों, आदिवासी हों, चाहे वो रिमोट एरियाज में हों, नॉर्थ ईस्ट में हों, एक बदलाव आ रहा है, एक समझ आ रही है, एक ज्ञान आ रहा है। सर, शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा रोमांचक अनुभव जो आपने देखा हो? जंगल में तो हर एक लम्हा रोमांचक होता है, एक अजीब दुनिया में होते हैं। एक दफा हम सोए हुए थे रात को, उस समय वहाँ रणथंभौर में कुछ नहीं था, और रात को पहुँचे तो दरवाज़ा खोलने के लिए कोई नहीं था, तो हम बड़ के पेड़ के नीचे अपने टेंट लगा के उसमें सो गए। तो रात को मेरे को लगा मेरे टेंट में जो मेरा कंपेनियन है वो मेरे को पुश कर रहा है, तो जब मैंने उसको हाथ मारा तो आवाज़ आई, तो एक पाइथन ठंड में मेरे स्लीपिंग बैग के अंदर चला गया और सो रहे थे वो अंदर। दैट वॉज वन क्लोज इनकाउंटर। मेरा ये विश्वास है कि जो जानवर जो होते हैं वो आपसे हमसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनकी जो भावना है वो भावना को समझ सकते हैं, जैसे एक मधुमक्खी मैग्नेटिक फील्ड को देख सकती है, ये मनुष्य की भावनाएं जो हैं वो देख सकती है, परख सकती है कि ये डरा हुआ है, कि मुझे क्षति पहुँचाएगा या मेरे बच्चों को, या न्यूट्रल है। अगर हम लोभ छोड़ दें, ग्रीड छोड़ दें, स्वार्थ छोड़ दें, अपना एक दूसरे को एक प्रजाति समझ के एक दूसरे की मदद करें और आगे बढ़ें, तभी बदलाव संभव है। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय हमें दे। थैंक यू।
दिस वाज मिस्टर माइक पांडे. और कितनी खूबसूरत बात उन्होंने अंत में कही कि अगर अपना लोभ छोड़ के अगर हम सभी प्रजातियों को इक्वालिटी के साथ देखें, सभी को बराबर का दर्जा दें, को एग्जिस्ट करें, तो ना ही बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा है, पूरी धरती के लिए अच्छा है. बिकॉज वी आर इन दिस इको सिस्टम जहाँ पर सभी की अहम भूमिकाएँ हैं, सभी को जीने का हक है. एंड आई ऑलवेज टेल दैट बी काइंड टू एवरी काइंड. Yes, because earth matters. जैसे Mike Pandey ने कहा कि फिल्म मेकर्स आर एन एजेंट ऑफ चेंज एंड दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग ऑन दिस मॉर्निंग शो ऑफ दूरदर्शन. दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड हाउ इट्स कैरिड आउट, बट द मैसेज दैट इट इज सेंडिंग. एंड होपफुली इट विल रीच आउट टू यू एंड टच यू इन वेज यू कैनॉट इमेजिन, सो दैट बायोडाइवर्सिटी इज प्रिजर्व्ड.